Okay, so dear student, fluid mechanics video series का ये video basically fluid mechanics में जो properties of fluid है उस chapter के basically कुछ important points को आज मैं discuss कर रहा हूँ. और ये topic होगा dear student surface tension. सबको पता है कि surface tension बहुत important concept है और इस पे basically exams में कई बार questions काफी सारे आए हुए हैं. इसपे न्यूमेरिकल्स के भी स्कोप होते हैं और उसी से लिंक्ड है डियर स्टूडेंट. सरफेस टेंशन से ही लिंक्ड है कैपिलरिटी एंड कैपिलरी राइज, राइट. सो ये दो टॉपिक बेसिकली देखेंगे जहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. सरफेस टेंशन क्या है, व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली सरफेस टेंशन और प्रेशर का जो रिलेशन होता है इन लाइक द ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट, सोप बबल एंड द जेट. ये तीन केस में डियर स्टूडेंट बेसिकली आपको लर्न करना है. और कैपिलरिटी और कैपिलरी राइज, स्पेशली कैपिलरी राइज एंड फॉल, इस दो इन दो कॉन्सेप्ट को लर्न करना है. और इसका एक डेरिवेशन भी होता है डियर स्टूडेंट, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल को कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो इसका एक कॉन्सेप्ट है और वहां से बेसिकली कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. सो सरफेस टेंशन, कैपिलरी एंड कैपिलरी राइज, ये लिंक टॉपिक है. Then obviously एक छोटा सा concept है bulk modulus and compressibility. So dear student, bulk modulus किसी भी fluid का अपना एक bulk modulus होता है और obviously उसी से एक related term है compressibility. इसको understand करेंगे, कभी-कभी exams में पूछ देता है definition वगैरह में. और at the same time the last topic will be cavitation and vapor pressure. So dear student, ये भी fluid का एक important properties है, vapor pressure. और vapor pressure से ही linked एक phenomena है जिसको हम बोलते हैं cavitation. So what is cavitation, ये हम देखेंगे. और वेपर प्रेशर क्या है ये देखेंगे. सो इन सब टॉपिक में डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप देखें तो सरफेस टेंशन. सो डियर स्टूडेंट अगर मैं आपको सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और सरफेस टेंशन को समझने से पहले आपको अगर मैंने लास्ट वीडियो में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया था कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. डियर स्टूडेंट आपको सरफेस टेंशन को समझने से पहले आपको कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स समझना होगा. कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स डियर स्टूडेंट. सो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. सो देखो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया होगा कि कोहेसिव फोर्स बेसिकली सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. मीन्स कोहेसिव फोर्स का मतलब है मान लो ये वॉटर है और इस वाटर में बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं. मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है. मींस आसपास के जो सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ ये बेसिकली क्या है इनके आपस में बेसिकली एक फोर्स एक्ट करता है डियर स्टूडेंट. और ये सारे वाटर के ही मॉलिक्यूल है, इसमें कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है. तो इस फोर्स को डियर स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स. सो कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स acting between similar molecule, force acting between similar molecule dear student. So similar molecule के बीच का जो force है ये basically cohesive force कहलाता है. और obvious है कि adhesive force इसका ठीक opposite है. दो dissimilar molecules के बीच का जो force है ये basically adhesive force कहलाता है dear student. Like अगर मान लो glass tube है और water है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है और ग्लास ट्यूब का मॉलिक्यूल अलग है. तो वाटर और ग्लास ट्यूब के बीच में जो बेसिकली अट्रैक्शन होगा उसको हम एडहेसिव फोर्स बेसिकली टर्म नाम देंगे. सो एडहेसिव फोर्स को हम बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल. सो अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है तो एडहेसिव फोर्स है. सो नाउ डियर स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि कोई भी फ्लूइड जब किसी दूसरे फ्लूइड के साथ कॉन्टैक्ट पर आता है तो यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. हमें यह देखना होगा कि जो फ्लूइड है वो उसके अपने मॉलिक्यूल के बीच में कितना कोहेसिव फोर्स है. और अगर ये किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मींस एयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या यू कैन से ट्यूब के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ग्लास ट्यूब के साथ, तो वहां पे हमें देखना होता है एडहेसिव फोर्स. और फिर हमें ये देखना होता है कि एडहेसिव ज्यादा है या कोहेसिव. अगर कोहेसिव ज्यादा होगा तो उसका बिहेवियर बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होगा. और अगर
अगर कोहेसिव ज्यादा होगा तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, एडहेसिव ज्यादा होगा तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होगा ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो यही बेसिकली अपने को अंडरस्टैंड करना है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट डियर स्टूडेंट, कोहेसिव और एडहेसिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद आपको मैं सरफेस टेंशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखो, दिस वर्ड इटसेल्फ शोज कि ये टेंशन है, और बेसिकली कहां पे का टेंशन है, सरफेस का टेंशन है। मींस जब भी कहीं पे लिक्विड होगा, अगर हमें सरफेस टेंशन को सबसे पहले याद रखना सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सबसे पहले हम ये समझना है कि सरफेस टेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले सरफेस टेंशन है क्या। तो डियर स्टूडेंट, लिक्विड का जो टॉप सरफेस होता है, जो किसी दूसरे लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करता है, जब किसी फ्लूइड का एक टॉप सरफेस किसी दूसरे फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके टॉप सरफेस पे बेसिकली एक टेंशन जनरेट होता है। या यूं कह सकते हो कि उसका जो टॉप सरफेस है वो एक टेंसाइल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, और इसी टेंस मींस उसका जो टॉप सरफेस है वो एक टेंसाइल फोर्स से सब्जेक्टेड होता है, और उसका जो पूरा सरफेस है वो एक तरह से टेंसाइल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। और वो जो फोर्स एक्ट होता है उसके टॉप सरफेस पे, डियर स्टूडेंट, फ्लूइड के टॉप सरफेस पे, उसी फोर्स को अगर हम पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरेक्टिंग सरफेस अगर डिवाइड करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरेक्टिंग सरफेस, तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरेक्टिंग, पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरेक्शन, उसको हम बेसिकली बोलते हैं सरफेस टेंशन। मींस लिक्विड का जो टॉप सरफेस है उस पे जो टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय द लेंथ, लेंथ ऑफ इंटरेक्शन। अगर आप इसको सबसे पहले, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन डियर स्टूडेंट, और कई बार इसी को दूसरे वे में बोलते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। मींस जो लिक्विड का सरफेस होता है उसके ऊपर जो सरफेस एनर्जी है पर यूनिट, उसका जो एरिया होगा वही बेसिकली सरफेस टेंशन है। बट यहां पे आपको ये समझना होगा कि ये फोर्स आया कहां से ये फोर्स जनरेट हुआ, जिसको पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरेक्टिंग इंटरेक्शन अगर हम करते हैं तो हमारा सरफेस टेंशन होगा। तो ये फोर्स आया कहां से डियर स्टूडेंट, तो इसको समझो सबसे पहले, और ये सिर्फ टॉप सरफेस पे ही होता है डियर स्टूडेंट। आपको अंडरस्टैंड करना है, ये मान लो वॉटर है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये वॉटर है। इस वाटर के अंदर का कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, इसके अंदर के मॉलिक्यूल को अगर हम लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल अपने आसपास आइडेंटिकल और सराउंडिंग मॉलिक्यूल से अपने आसपास जो उसका बेसिकली आसपास का जो मॉलिक्यूल है उससे जो वो अट्रैक्ट होगा वो बेसिकली इक्वल और ऑपोजिट अट्रैक्ट होगा, क्योंकि तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स होगा डियर स्टूडेंट, वो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। मतलब एक मॉलिक्यूल अपने आसपास इक्वल और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, तो जो कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा इन सब में वो बेसिकली, अगर आप देखोगे तो इधर फोर्स लग रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए इधर लग रहा है, फिर इस पे अगर लग रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए इधर लग रहा है। मींस नेट रिजल्टेड नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। मींस यहां से ये क्लियर हो गया कि जो लिक्विड है या जो बेसिकली फ्लूइड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। ऑल्दो कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। बट डियर स्टूडेंट, अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल की बात करूं तो पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल की बात करूं, ये सरफेस मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल, तो सरफेस मॉलिक्यूल को नीचे तो क्या मिल रहा है, इसको इसका खुद का मॉलिक्यूल, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल मिल रहा है जो इसको बेसिकली पुल करेगा, राइट। बट इसको काउंटर करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जिसकी वजह से इस पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा डियर स्टूडेंट, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। और ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है जो कि सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा डियर स्टूडेंट, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे ही एक्ट करेगा, यही जो, और ये बेसिकली कोहेसिव की वजह से डेवलप हो रहा है, कोहेजन बेसिकली इंबैलेंस हो रहा है, कोहेजन इस कोहेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स नहीं है, इसकी वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा एक नेट फोर्स से बेसिकली क्या होता है, अट्रैक्टेड रहता है। नेट फोर्स से डियर स्टूडेंट क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है, और इसी को बेसिकली यही एक फोर्स है, इसी फोर्स को पर यूनिट लेंथ जब हम फाइंड करते हैं तो इसी को डियर स्टूडेंट हम बोलते हैं सरफेस टेंशन सिग्मा। सो आई होप आपने समझ लिया होगा सरफेस टेंशन सिग्मा।
सो सरफेस टेंशन सिग्मा क्या है डियर स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया कि जो सरफेस मॉलिक्यूल पे बेसिकली फोर्स एक्ट करता है जो कि इंबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है, क्यों होता है ये यहां से क्लियर है, उस दैट पर यूनिट लेंथ को ही सरफेस टेंशन बोलते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय एल। इसको डियर स्टूडेंट कई बार हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी, बेसिकली इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं। सो सरफेस टेंशन को दिखाने का बेसिकली दो तरीका है, एक्सप्लेन करने का या इसको बेसिकली मेजर करने का, या तो नेट इंबैलेंस फोर्स जो डेवलप होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं विष्णु, तो सरफेस टेंशन की यूनिट होगी, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलूं तो न्यूटन पर मीटर जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। सो आपको याद रखना होगा न्यूटन पर मीटर, और इसका कई बार डायमेंशन भी डियर स्टूडेंट पूछा जाता है। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन बाय लेंथ का डायमेंशन। सो फोर्स का डायमेंशन बाय लेंथ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन यू नो एमएलटी माइनस टू डियर स्टूडेंट राइट, और ये बेसिकली ये जो लेंथ है लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे। सो वी कैन राइट इट लाइक एमएल जीरो टी माइनस टू। So, ये डायमेंशन होगा सरफेस टेंशन का, यूनिट न्यूटन पर मीटर है, बट अगर मैं इस लॉजिक से चलूं तो ये यूनिट देगा डियर स्टूडेंट सरफेस एनर्जी, मतलब एनर्जी विच इज जूल और एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो इसको जूल पर मीटर स्क्वायर से भी बेसिकली इसका एक यूनिट होता है डियर स्टूडेंट, और कई बार एग्जाम में पूछा गया ये यूनिट, और कई बार ये भी यूनिट पूछा हुआ, और डायमेंशन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ डियर स्टूडेंट। सो सरफेस टेंशन का मतलब हुआ कि जो सरफेस पे जो नेट इंबैलेंस्ड फोर्स होता है उसको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, मतलब उसको मिनिमम एरिया में कन्वर्ट करना चाहता है डियर स्टूडेंट। मिनिमम एरिया में जो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब कोई भी लिक्विड अपना जो शेप बेसिकली एक्वायर करता है तो वो शेप ऐसा एक्वायर करना चाहता है कि वो मिनिमम एरिया को एक्वायर करे, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, और वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। और यही रीजन है डियर स्टूडेंट कि जो बारिश की बूंद होती है, जो रेन ड्रॉप होता है, वो हमेशा बेसिकली स्फेरिकल होता है, बिकॉज जो स्फेरिकल शेप होता है उसका जो जो बेसिकली एरिया होता है वो सबसे कम होता है, कंपैरेटिवली सबसे कम होता है। तो बेसिकली वही रीजन है कि एरिया कम बेसिकली एक्वायर करने के लिए वो स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द प्रेडोमिनेंट कॉन्सेप्ट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से ही अगर आप देखोगे तो बारिश की बूंद स्फेरिकल है, सरफेस टेंशन की वजह से ही अगर आप देखोगे तो जो ओस की बूंद है वो बेसिकली जो लीव्स है लीव्स के ऊपर बेसिकली वो क्या होता है, वो अटका हुआ रहता है, वो उसके सरफेस पे होता है। सो सरफेस टेंशन डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी लिक्विड के लिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखो, अगर किसी लिक्विड में, अगर किसी लिक्विड का जो टॉप सरफेस है ये सरफेस टेंशन से बेसिकली सरफेस टेंशन अवेलेबल होता है, अगर मैं यहां पे एक रिंग डाल दूं, अगर इस वाटर के टच में एक रिंग डाल दूं और फिर मैं इस रिंग को उठाने की कोशिश करूं तो अपने को फोर्स लगाना होगा डियर स्टूडेंट। अगर मैं इसको वेटलेस भी मान लूं, अगर मैं रिंग को वेटलेस भी मान लूं और अगर ये वाटर के साथ कॉन्टैक्ट बना रहा है और अगर मैं मुझे इसको लिफ्ट करना है तो बेसिकली क्या है, चूंकि इसके यहाँ पे जो रिंग के साथ ये सरफेस टेंशन एक्ट करेगा इस लिक्विड का, तो यहाँ पे बेसिकली सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है उस फोर्स को काउंटर, उस फोर्स के बराबर का फोर्स अगर आप ऊपर लगाओगे तो ये लिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट कई बार इंपॉर्टेंट होता है सरफेस टेंशन के लिए। इस पे बेसिकली एसएससी जेई में एक क्वेश्चन भी आया हुआ, इसको हम बेसिकली करेंगे। सो आई थिंक सरफेस टेंशन को आपने समझ लिया, और सरफेस टेंशन इज प्रेडोमिनेंटली ड्यू टू कोहेजन। सो कोहेजन की वजह से ये बेसिकली होता है डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अब जो हमारा बेसिकली इस पे एक न्यूमेरिकल आया हुआ डियर स्टूडेंट, और मैं चाहूंगा कि वो न्यूमेरिकल आपको मैं बेसिकली कर पाऊं, और बिफोर आपको ये याद रखना होगा कि ऑब्वियसली जो वाटर है डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास वाटर है ये एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वाटर का एयर के साथ मोस्टली कॉन्टैक्ट होता है। अगर आप कहीं पे भी वाटर का सरफेस देखो, ये मान लो वाटर है तो ये यहाँ पे फ्री सरफेस पे एयर होता है राइट, एयर के साथ जब कॉन्टैक्ट बनाता है वाटर तो उस टाइम वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है,
जनरली ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगा क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे बेसिकली इसकी वैल्यू यूज होती है, तो ये 0.073 के आसपास हम ले सकते हैं स्टूडेंट। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो न्यूटन पर मीटर, मतलब अगर वॉटर का सर्फेस टेंशन इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ये डियर स्टूडेंट क्या होता है 0.073 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर आप यही चीज मर्केरी के लिए बात करोगे डियर स्टूडेंट, ये H2O के लिए है, लेकिन डियर स्टूडेंट मर्केरी की अगर बात करोगे तो बेसिकली ये काफी ज्यादा हो जाता है, ये 0.5 के आसपास हो जाता है, 0.5 के आसपास हो जाता है। सो आइडिया इज कि मर्केरी का बेसिकली सर्फेस टेंशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वॉटर। सो आइडिया इज कि ये वाली जो वैल्यू है ये जनरली दी होती है, बट अगर नहीं दी हुई है तो 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का सर्फेस टेंशन विद एयर 0.073 न्यूटन मीटर होगा डियर स्टूडेंट। सो सर्फेस टेंशन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट एसएससी जेईई में आया हुआ, मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन बहुत पहले एसएससी जेईई में आया हुआ, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए, और अब आप देखो कि इसको आप अप्लाई करके बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स टू रेज अ थिन रिंग ऑफ 20 mm डायमीटर फ्रॉम द वॉटर सर्फेस, नेग्लेक्ट वेट ऑफ द रिंग। सो डियर स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये कह रहा है कि जो रिंग है ना, ये बेसिकली रिंग है, ये मान लो रिंग है, और ये जो रिंग है ये बेसिकली ये जो रिंग है इसका जो डायमीटर है डियर स्टूडेंट ये 20 mm डायमीटर का है, ये 20 mm डायमीटर का ये एक रिंग है, और ये वाटर सरफेस में बेसिकली क्या है कॉन्टैक्ट बना रहा है डियर स्टूडेंट, और कह रहा है कि इसको अगर इसका वेट मैं नेग्लेक्ट करूं तो कितना फोर्स होगा टू रेज अ थिन रिंग, इसको ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए इसको वाटर सरफेस से ऊपर उठाना है। तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑब्वियसली जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसको काउंटर करना होगा अगर आपको उसको उठाना है, तो जो फोर्स रिक्वायरमेंट होगा वो होगा सिग्मा इंटू ए डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्मा इंटू ए। अब यहां पे आपको ये समझना होगा कि जो रिंग के केस में, रिंग के केस में दो सरफेस एरिया एक्ट करेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिंग के केस में आपको दो एरिया को टैक्ट बनाएगा बेसिकली, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया डियर स्टूडेंट, तो ये जो दो एरिया लगेगा इसकी वजह से सिग्मा तो सिग्मा ही होगा, एरिया बेसिकली 2 into एरिया को डियर स्टूडेंट क्या लेंगे अगर मैं आपको ओके सो डियर स्टूडेंट यहां पे एक स्मॉल एरर है, जब सरफेस टेंशन की बात करोगे तो सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, एरिया नहीं होता, तो फोर्स क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एल डियर स्टूडेंट राइट। अब सिग्मा इंटू एल बेसिकली क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो ये बेसिकली पाईडी जो बेसिकली लेंथ होगी उसका डबल होगा, क्योंकि ये रिंग है, रिंग के केस में डबल लेंथ होगी, तो 2 into πD हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ सिग्मा आपको यहां पे दिया नहीं है, तो यू हैव टू टेक दिस 0.073 इनटू 2 into πD डायमीटर डियर स्टूडेंट 20 mm है, मैं इसको 20 × 10⁻³ कर दूंगा, और ये जो फोर्स बनेगा वही न्यूटन चाहिए इस रिंग को बेसिकली वाटर सरफेस से लिफ्ट करने के लिए। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया हुआ बहुत पहले एसएससी जेईई में आया हुआ, ये फिर से मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूं, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स टू रेज अ थिन रिंग ऑफ 20 mm डायमीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस, नेग्लेक्ट वेट ऑफ द रिंग। सो बहुत आसान है, फोर्स निकालना है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होगा, सरफेस टेंशन ऑब्वियसली वाटर के लिए 0.073 याद रखना होगा आपको, और लेंथ यहां पे 2 into πD होगा डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल हो जाएगा, सो 2 into πD और डी दिया हुआ, सो बाय दिस वे यू कैन इजीली फाइंड द फोर्स। सो देखो सरफेस टेंशन वाला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत आसान होता है, एक बार आया हुआ है तो ये मैंने आपको करवा दिया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट, सरफेस टेंशन बेसिकली हमें फाइंड करना है, और सरफेस टेंशन के लिए हम तीन केस देंगे राइट। सो सरफेस टेंशन
सरफेस टेंशन इन फर्स्ट वॉटर ड्रॉपलेट. ही स्टूडेंट वॉटर ड्रॉपलेट, वॉटर ड्रॉपलेट के लिए बात करेंगे. वॉटर ड्रॉपलेट का मतलब है सॉलिड स्फेरिकल ना. ड्रॉपलेट बेसिकली क्या होता है, सॉलिड स्फेरिकल शेप होता है. सो वॉटर ड्रॉपलेट में बात करेंगे. दूसरा बेसिकली डियर स्टूडेंट हॉलो सोप बबल की बात करेंगे. सोप बबल में क्या होता है, वो एक हॉलो स्फेयर होता है, अंदर एयर बाहर एयर और फिर सोप की एक थिन फिल्म होती है. तो सोप बबल की बात करेंगे, वॉटर ड्रॉपलेट सोप बबल. और थर्ड डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड होता है हमारा जेट. अगर आपने देखा होगा नॉजल वगैरह से जो जेट आता है वो सिलेंड्रिकल, बेसिकली एक सिलेंडर होता है, स्मॉल सिलेंडर ही होता है. तो हम जेट की बात करेंगे, जेट. सो इन तीन केस में बेसिकली अपने को ये समझना है कि क्या सरफेस टेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मींस सरफेस टेंशन और प्रेशर का हमने बेसिकली रिलेशन फाइंड करना है. डियर स्टूडेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है. सबसे पहले देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझो वाटर ड्रॉपलेट की हम बात कर रहे हैं. वाटर ड्रॉपलेट को हम स्फेरिकल मानते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट है जिसका डायमीटर मान लो हमने डी मान लिया, राइट. और ये ऑब्वियसली वाटर है इसमें. अब मैं बेसिकली इस, और ये इक्विलिब्रियम है, मींस इस डी साइज का जो वाटर ड्रॉपलेट है ये अपने साइज को मेंटेन किया हुआ है, डी साइज मेंटेन किया हुआ है. नाउ हम ये मान लेते हैं कि अंदर जो प्रेशर है, अंदर जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर है, पी है इन एक्सेस विद आउटसाइड प्रेशर. मतलब बाहर जो भी प्रेशर है ऑब्वियसली एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, उससे अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है. तो मैंने अंदर का प्रेशर पी मान लिया. डियर स्टूडेंट पी क्या है, प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट इन एक्सेस विद आउटसाइड प्रेशर. मतलब आउटसाइड प्रेशर का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटीएम प्रेशर, जो कि 1.013 बार होता है. डियर स्टूडेंट तो यहां पे आपको यह समझना है कि इसको प्रेशर को हम प्रेशर डिफरेंस भी बोल सकते हैं. अगर क्योंकि अंदर का प्रेशर, अगर ये P को मैं बोलूं तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2. अगर इसको मैं बोलूं डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा P1 माइनस. सो डियर स्टूडेंट यहां पे अगर मैं P1 मानूं तो इनसाइड प्रेशर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनसाइड प्रेशर, राइट. और P2 क्या हो जाएगा, आउटसाइड प्रेशर. ये क्या होगा, आउटसाइड प्रेशर. सो चूंकि आउटसाइड प्रेशर बेसिकली हमारा एटमोस्फेयर प्रेशर होता है और उसको हम जीरो मान के चलते हैं. अगर हम गेज प्रेशर की बात करें तो आउटसाइड प्रेशर जो एटमोस्फेरिक होगा उसको हम डेटम मान के बाकी के प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं. तो जो हमारा P1 माइनस P2 हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, P1 ही हो जाएगा, जिसको हम P एज्यूम कर लेते हैं. लेकिन अगर एटमोस्फेरिक अंदर का प्रेशर दिया हुआ और बाहर का भी प्रेशर दिया हुआ तो दोनों को माइनस करके बेसिकली हम P यहां पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो हमारे लिए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट कई बार न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको लगता है P का मतलब है इनसाइड प्रेशर, नो, इट इज इनसाइड प्रेशर इन एक्सेस विद आउटसाइड प्रेशर. सो दिस इज P1 माइनस P2. आउटसाइड प्रेशर अगर कुछ ज्यादा है तो फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अदरवाइज एटमोस्फेरिक होता है इसीलिए इनसाइड प्रेशर बोल देते हैं. सो पी इज द लेट्स से प्रेशर है, डी इज डायर. तो अब अपने को ये समझना है डियर स्टूडेंट कि ये इक्विलिब्रियम है तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया. मान लो इसको स्प्लिट कर दिया तो ये कुछ ऐसा आपको मिलेगा. इसके हाफ के इक्विलिब्रियम की बात करें, ये जो हाफ है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे इस पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा इस पूरे लेंथ पे, ये जो पूरी लेंथ है इस पे बेसिकली सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, राइट. इस पे सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, राइट. तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा, एफ सरफेस टेंशन, इसको मैं निकाल सकता हूं. एफ सरफेस टेंशन कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, सरफेस टेंशन हमेशा होता है सिग्मा एफ बाय एल. तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो सिग्मा इंटू एल होगा. एफ क्या होगा, सिग्मा इंटू एल. तो अगर मैं सरफेस टेंशन फोर्स निकालूं तो सिग्मा इंटू एल क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट लेंथ जो कि सर्कमफेरेंस है पाई डी बोल सकते हैं. तो सिग्मा इंटू पाई डी ये सरफेस टेंशन फोर्स हुआ डियर स्टूडेंट. अब ये तो सरफेस टेंशन वाला पिक्चर हो गया. नाउ इसके अंदर जो प्रेशर है डियर स्टूडेंट ये भी तो एक्ट होगा. तो अगर मैं इसी अपर हाफ पे प्रेशर फोर्स की बात करूं तो प्रेशर फोर्स बेसिकली इस पे क्या एक्ट होगा,
ये इधर इधर एक्ट करेगा, ये प्रेशर बेसिकली इसी एरिया पे बात करूं तो प्रेशर इधर एक्ट करेगा, तो प्रेशर हमारा पी है, तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्रेशर फोर्स क्या हो जाता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज ऑलवेज फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, सो प्रेशर फोर्स हमेशा क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट, एरिया ये वाला एरिया होगा जो कि होगा पाई बाय फोर डी स्क्वायर। सो अब आप ये सोचो कि ये जो बाहर वाला प्रेशर फोर्स है और ये जो अंदर वाला फोर्स है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब सरफेस टेंशन फोर्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू प्रेशर फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ड्रॉपलेट। सो फॉर इक्विलिब्रियम जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स है, ये सरफेस टेंशन फोर्स ये इक्वल होना चाहिए किसके, प्रेशर फोर्स के, एफ प्रेशर। तो अगर मैं इक्वेट कर दूं, जो हमने फाइंड करा है, सिग्मा इनटू पाई डी इज इक्वल टू पी इनटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर। अगर डियर स्टूडेंट डी से ये डी कैंसल हो गया और यहां से अगर मैं पी निकालू तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फोर सिग्मा, पाई से पाई कैंसल हो गया, फोर सिग्मा बाय डी। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक रिलेशन आ गया किसके लिए, वॉटर ड्रॉपलेट के लिए। सो वॉटर ड्रॉपलेट के लिए जो इनसाइड प्रेशर इन एक्सेस विद आउटसाइड प्रेशर पी होगा, वो हमेशा 4 इनटू सिग्मा बाय डी होगा। सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, डी इज द टायर। यहां से क्या क्लियर है, एक तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है। यहां से देखो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चंस के आंसर स्ट्रेट वे आप निकाल सकते हो। देखो यहां पे अगर डी कम होता है डियर स्टूडेंट, डी अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे स्फेरिकल ड्रॉपलेट का साइज कम होता जाएगा, डी कम होना मतलब साइज कम होगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि लिक्विड ड्रॉपलेट में जैसे जैसे साइज कम होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, राइट। तो जो लॉजिक हमने वॉटर ड्रॉपलेट के लिए लगाया, तो बाय अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट नाउ वी गॉट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। द सिमिलर एक्टिविटी कैन बी डन फॉर द सोप बबल एंड द जेट डियर स्टूडेंट विदाउट एनी मेजर चेंजेस। सो मैं इसके लिए बेसिकली आपको फॉर्मूला बता रहा हूं और एट द सेम टाइम कैसे निकाल सकते हो वो फॉर्मूला, वो भी मैं आप, क्योंकि ये छोटा सा एक बहुत स्मॉल स्टेप है इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलर लॉजिक डियर स्टूडेंट मैं सोप बबल के लिए लगा सकता हूं। सोप बबल के लिए ये रिलेशन कैसा होगा, तो सोप बबल में भी हम वही लॉजिक लेते हैं, इनसाइड प्रेशर इन एक्सेस विद आउटसाइड प्रेशर इज पी एंड डी इज द डायमीटर। तो सोप बबल में चेंज क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा डियर स्टूडेंट, सरफेस टेंशन फोर्स वहां पे होगा सिग्मा इनटू बेसिकली जो लेंथ होगा डियर स्टूडेंट, सोप बबल जो कि हॉलो बबल होता है तो अंदर भी है एयर के साथ कॉन्टेक्ट बना रहा है, बाहर भी एयर के साथ कॉन्टेक्ट बना रहा है, तो इससे बेसिकली क्या हो जाएगा, दो लेंथ है वहां पे, तो लेंथ बेसिकली डबल हो जाएगा। अगर आप उसको ऐसे समझो कि बेसिकली आपका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सोप बबल के केस में अगर मैं सेम लॉजिक अप्लाई करना चाहूं फॉर इक्विलिब्रियम सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स, ये अगर मैं अप्लाई करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, सिग्मा इनटू लेंथ, बेसिकली वहां पे डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लेंथ आपको ध्यान देना होगा, लेंथ वहां पे हो जाएगा, अगर आप वहां पे बात करो, ओके। सो डियर स्टूडेंट अगर आप सोप बबल के केस में देखोगे तो दो सरफेस है वहां पे, अगर आप सोप बबल को अलग से बनाते हो तो सोप बबल कैसा होता है, ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, इसमें सोप फिल्म की थिकनेस है, अंदर एयर है और बाहर एयर है, तो यहां पे देखो ये एक सरफेस है राइट, और एक अगर आप देखोगे और एक बाहर का सरफेस है राइट। तो अगर आप इन दोनों को लोगे तो बेसिकली लेंथ आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो सिग्मा इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, 2 इनटू पहले था बेसिकली अगर आप देखोगे पहले था पाई डी तो अब हो जाएगा 2 पाई डी, तो सिग्मा इनटू लेंथ हो जाएगा 2 पाई डी इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स, तो वही रहेगा डियर स्टूडेंट, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर। यहां से अगर आप देखोगे तो डियर स्टूडेंट डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा और पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से अगर देखोगे पी निकालोगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 8 सिग्मा बाय डी। सो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हुआ, जस्ट डबल हो गया,
पहले P is equal to 4 sigma by T है, but hollow bubble या soap bubble के केस में ये basically P hollow मैं लिख देता हूँ, P hollow bubble के लिए 8 sigma by T हो गया, मतलब इसका just double हो गया। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे भी वही logic है, dia बढ़ेगा pressure कम होगा, dia कम होगा pressure ज़्यादा होगा, मतलब increase करेगा। तो ये hollow bubble के लिए याद रखना दिया श्वन, P is equal to 8 sigma by D। Now the last concept is, dear student, for jet. Dear student, jet कैसा होता है? अगर आप jet को देखोगे तो cylindrical होता है, right? अगर आप jet की बात करोगे तो ये cylindrical होता है, dear student, right? तो cylindrical में क्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं L, jet के लिए अगर आप बात करोगे तो ये jet की length है और ये jet का मान लो diameter है। ये jet का क्या है, dear student? Diameter है। तो इसके भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसको भी अगर मैं इसका हाफ पार्ट लूं तो कैसा ले सकता हूं डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसके हाफ पार्ट को लूं डियर स्टूडेंट तो मैं ऐसा ले सकता हूं डियर स्टूडेंट। तो अगर मैं हाफ पार्ट की बात करूं तो यहां पे बेसिकली सरफेस टेंशन एक्ट करेगा डियर स्टूडेंट। अगर आप देखोगे तो इसकी पूरी लेंथ पे सरफेस टेंशन यहां पे एक्ट करेगा, यहां पे भी एक्ट करेगा, अगर आप देखोगे तो ये एल है तो यहां पे भी फिर से वही इक्वेट करेंगे, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू लेंथ। लेंथ क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये एल है, फिर ये डी है, फिर ये एल है और ये फिर डी है, मतलब अगर मैं पूरे सम करूं तो एल प्लस एल, टू एल प्लस टू डी। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो स्मॉल डी होता है, मतलब जेट का जो डाया है वो लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होता है, तो मैं यहाँ पे 2L ले लूंगा, राइट। लेंथ हम क्या, टोटल लेंथ क्या लेंगे, ये L और फिर यहाँ पे भी L, तो सिग्मा इनटू 2L, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स। मैंने डाया को नेग्लेक्ट किया क्योंकि एल के कंपेयर में डी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो सिग्मा इंटू 2L ये बराबर हो जाएगा पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट, डी से यहां पे तो डी कैंसिल होगा नहीं, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट, सॉरी दिस इज नॉट द एरिया, यहां पे एक चीज ध्यान रखना होगा, हॉलो बबल और वाटर ड्रॉपलेट, लाइक वाटर ड्रॉपलेट और सोप बबल में तो एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता, बट जेट के केस में ये रेक्टेंगुलर एरिया हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा, डी इंटू एल, रेक्टेंगल का एरिया डी इंटू एल है, L से L कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट। यहां पे P is equal to आप क्या निकालोगे, तो P is equal to क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 सिग्मा बाय D। ये एक रिलेशन आ गया जो कि जेट के लिए आ गया डियर स्टूडेंट, P is equal to 2 सिग्मा बाय D। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं आप इसको सम अप करूं तो सरफेस टेंशन और प्रेशर का रिलेशन वाटर ड्रॉपलेट के लिए P is equal to 4 सिग्मा बाय D, वाटर ड्रॉप सोप बबल या हॉलो बबल के लिए 8 सिग्मा बाय डी, मतलब इसका जस्ट डबल, और यहां पे बेसिकली क्या है, 2 सिग्मा बाय डी, मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका हाफ, इसका डबल ये और इसका हाफ जेट। तो ये आपको याद रखना होता है, ये तीनों में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा ही जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। सो फॉर वाटर ड्रॉपलेट पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी, फॉर सोप बबल इट इज पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी, and for jet it is P is equal to 2 sigma by D, and again I am stating that pressure is not inside pressure, it is inside pressure in excess with outside pressure, और अगर outside pressure atmospheric pressure है जिसको हम neglect करते हैं तो you can say कि वो inside pressure हो जाएगा gauge के term में। So this is what your surface tension concept is, dear student. Now in the next we will come up with the what we say capillary and capillary rise. So इस पे एक numerical और capillary rise, इसको मैं next video में आपके लिए लेके आऊंगा। So that's all for today. Thanks a lot. Thank you.